अली, अमानत अली। तो अमानत, आप अपना गाना किसे डेडिकेट कर रहे हैं? ये जो गाना मैं गा रहा हूँ, ये स्पेशली मेघना जी के लिए मैं गा रहा हूँ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, आपके फादर गुलजार जी का लिखा हुआ गाना है। और जैसा कि मुझे 5 महीने हो चुके हैं कि अपने घर से दूर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से सबसे दूर, और ये गाना मैं अपने पेरेंट्स को और आपके पेरेंट्स को और आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये आज शाम की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आपने आपने इतना अच्छा गाया है। आई जेन्युइनली डोंट हैव एनीथिंग टू से। मैं आपको पॉइंट देने के लायक नहीं हूं आज। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्लीज अमानत, आप सच्ची बताओ, अभी आप रो रहे हो कि नहीं रो रहे? सर मैं खुद रो रहा हूँ। हाँ, ये सोचो कि हमारा क्या हाल हो रहा है। अभी हम भी सारे रो रहे हैं लेकिन आंसू नहीं टप कर रहे। अमानत, दूसरी बार आज तुम विनर डिक्लेयर हो रहे हो, दूसरी बार। थैंक यू इस्माइल भाई। इस्माइल जी, अभी तक महफिल माहौल की गुलाम थी, जैसा माहौल चल रहा था उस तरह से चल रही थी, लेकिन तुमने इबादत की तरह गाया है और माहौल को गुलाम बना दिया आपने। मौसम बदल के रख दिया तुमने आज की शाम का। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अमानत, गाने से पहले आपने गाना मेघना जी को डेडिकेट किया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर कुछ कहें। तुम रोए थे गाने के बीच में कहीं, मुझे लगा ऐसा। जी सर। और वो तभी होता है जब कोई दिल से गाता है, और हमें तुम्हारी दिल की आवाज़ सुनाई दी, हम सबको सुनाई दी। आई एम श्योर तुम्हारी दिल की आवाज़ तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारी फैमिली को पहुँची है, और तुम्हारी आवाज़ हमारे कंट्री में जितने लोग हैं सबको पहुंची है, और वो गूंजती रहेगी हमारे दिलों में।
बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर आपको सच्चे और ईमानदार वोट्स नहीं मिले इस परफॉर्मेंस के बाद. आई डू होप दैट एवरीबडी इन दिस कंट्री वोट्स फॉर यू, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट सिंगर एंड यू डिजर्व द बेस्ट. थैंक यू. ये इतने ओरिजिनल हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि इस गाने को आप पहले सुन चुके हैं और फिर से सुन रहे हैं. हर बार ये हर अंतरे में हर लाइन में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाज में गा रहे हैं, जो कि वो कमाल है. आज तक मैंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं और ज़्यादातर सारी फिल्मों में मारधाड़ और एक्शन ये वो वगैरह सब था. मैं अब एक फिल्म बना रहा हूँ जिसकी शूटिंग चल रही है और उस फिल्म में मैंने ब्रेक दिया है बप्पा लहरी को. वो मेरी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर हैं. उस फिल्म का नाम है अलीबाग और बप्पा इज़ द कंपोजर. और अब जब आप गा रहे थे वहाँ से बप्पा मुझे बैठ के इशारे कर रहा था दैट ही इज़ द बॉय, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे हैं एक आवाज. एंड आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस होल कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग. टू मी ऑल थ्री ऑफ यू आर विनर्स, ऑल थ्री ऑफ यू आर फैमिली. यू बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री, यू बिलोंग टू अस, दैट्स इट. बट यू आफ्टर दिस सॉन्ग यू विल बी माई ब्रदर. दिस इज माई हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू यू. इफ यू यू नो अग्री, we welcome you into our family and we would want you to be a part of the album that we are creating. Papa, would you like to say something? Yes, of course. It'll be an honor for us to have you. I always had you in mind and I always thought that I'll tell sir about this, and I'm really happy that sir is also very excited about this. Thank you so much. Thanks a lot. You know Aditya, bahut bahut dil se main सारे गामा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे इतने ब्यूटीफुल सिंगर्स वो ढूंढ के निकाले हमारे लिए. और इतने अच्छे इंसान हैं अमानत, इतने अच्छे जो सोल है, जो आत्मा से, जो जो फील से आपने गाया अमानत, दिल छू लिया आपने तो. मेरी मेरी रिक्वेस्ट एक और एक फिर रिक्वेस्ट होगी कि राजा और रौनिक दोनों को स्टेज पर बुलाया जाए. मैं तीनों का साथ में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये तीन ही आई मीन दे आर द मीनिंग ऑफ सारे गामा हमारे लिए. बहुत बहुत उन्होंने कमाल किया है. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतनी इज्जत अफजाई की, अमानत की.